आप अपने VLC मीडिया प्लेयर में किसी भी 4K वीडियो को प्ले कर रहे हो या फुल HD वीडियो को प्ले कर रहे हो और प्ले होने के दौरान आपके सामने स्टकरिंग या लैगिंग या बफरिंग से रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो आप इन सभी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपने VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको टूल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको इस लास्ट वाले ऑप्शन में प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको लास्ट की और आपको यहाँ पे एक ऑल का आपको यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे बटन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे एक पैनल दिख रहा होगा, तो आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको वीडियो का आपको यहाँ पे सेक्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस वीडियो वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस आउटपुट मॉड्यूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे वीडियो आउटपुट मॉड्यूल का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख होगा, तो ये मेरा अभी फिलहाल डिसेबल है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस पे ऊपर क्लिक करना है और आपको इसे ऑटोमेटिक पे इसे सेट कर देना है। सेट कर देने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है और आपको इसे क्लोज कर लेना है। ये मेरा पहला सेटिंग हो गया। अब मैं आपको दूसरा सेटिंग बताता हूं कि दूसरा सेटिंग में आपको करना क्या है। आपको तो फिर से आपको VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर लेना है और आपको वापस से टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे प्रेफरेंस वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको वापस से ऑल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको इनपुट डिकोड्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको करना ये है कि आपको इस इनपुट डिकोड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनवर्ड की ओर, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको राइट साइड की ओर आपको एक पैनल दिख रहा होगा, तो आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको फाइल कैचिंग का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो वैल्यू यहाँ पे फाइल कैचिंग में यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू है मेरा 300। तो आपको करना क्या है कि अगर आपके यहाँ पे जितना भी वैल्यू है आपको जस्ट उसका डबल आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरे यहाँ पे 300 है, तो मैं यहाँ पे जस्ट डबल इसे 600 कर देता हूं। अगर बाय द वे आपके यहां पे फाइन 500 रहता है, तो आपको यहां पे 1000 कर देना है, जस्ट आपको उसके डबल आपको यहां पे टाइप कर देना है वो वैल्यू को। वैल्यू को टाइप करने के बाद आपको इसे सेव करना है और इसे क्लोज करना है। इसे कर लेने के बाद अब मैं आपको यहां पे थर्ड सेटिंग बताता हूँ। कोई थर्ड सेटिंग में कराना क्या है कि आपको यहाँ पे वापस अपने VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद और आपको यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको वापस से प्रेफरेंस वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे वापस से आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है ऑल पे। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे वापस से यहाँ पे इनपुट डिकोड्स वाला आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको इस इनपुट डिकोड्स के अंदर आपको यहाँ पे वीडियो डिकोड्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे एक्सपेंड करना है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो पहला ऑप्शन है FFMPG, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड की ओर आ जाना है, आपको यहाँ पे एक पैनल देखने को मिलेगा और आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हार्डवेयर डिकोडिंग का। तो आपको करना है क्या है कि अगर आपका ये हार्डवेयर डिकोडिंग कोई और ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आपको करना ये है कि आपको इसे ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट कर लेना है। सेट करने के बाद और आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे थ्रेड्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे थ्रेड्स में यहाँ पे 2 वैल्यू यहाँ पे टाइप कर देना है और इसे टाइप कर देने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अब इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप इसको क्लोज करना है। अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर सेटिंग बताता हूँ कि फोर्थ नंबर सेटिंग करना क्या है। आपको वापस से अपने VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर लेना है। आप कोई भी सेटिंग कर रहे हो उसे सेव करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आपको VLC मीडिया प्लेयर को ओपन करना होता है। जैसे इसे क्लोज कर दिए, तो आपको वापस से इसे ओपन करना है किसी भी सेटिंग को करने के बाद। तो जैसे मैं यहाँ पे वापस से प्रेफरेंस वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ। ऑल वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे वापस से आपको यहाँ पे वीडियो डिकोड्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, सॉरी वीडियो कोड्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे वापस से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा X264 का। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा नंबर ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स का, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे देखना है कि आपका यहाँ पे वैल्यू क्या है। जैसे मैं यहाँ पे
देखता हूँ यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है यहाँ पे 3 है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे 3 नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे 3 टाइप कर लेना है और यहाँ पे आपको इसे सेव करना है और इसे क्लोज कर देना है और आपका जो VLC मीडिया प्लेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।